हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको देने वाले हैं बिहार बोर्ड के कुछ ऐसे टिप्स जिसे आप फॉलो कर लेते हो तो आपका 100% सक्सेस सफलता आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अभी जो क्लास 10th और 12th के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कर लेना। अगर फॉलो नहीं करोगे तो सचमुच सफलता उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, और जो इस टिप्स को फॉलो कर रहे हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, कौन सी है ये टिप्स, हम आपको इस वीडियो में फुल जानकारी बताएंगे, फुल इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, फुल देखना होगा, तभी आपको इस टिप्स के बारे में पता चल पाएगा। और क्या है वो टिप्स, कैसे हम बिहार 2020 में हम पास करें, फर्स्ट करें, 300-400 प्लस नंबर लिए हैं, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में फुल जानकारी दे दी है, और कौन से वो क्वेश्चन हमें याद करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, सिंपली मैं वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं हूँ विकास और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जापते ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं वो टिप्स की क्या है। फ्रेंड्स, टिप्स ये है कि आप अभी अपने पढ़ाई में ध्यान दें, ना कि किसी यूट्यूबर के वीडियो देखें और उस वीडियो को समझें। क्योंकि आप उस वीडियो को अगर देख लेते हो, फिर उस वीडियो को अगर उस वीडियो का क्वेश्चन आंसर आप बुक से मिलाते हो तो सभी को का क्वेश्चन आंसर सही नहीं होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आप किसी भी यूट्यूबर के वीडियो देखते हो, अगर आप वो क्वेश्चन समझोगे तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे अपने सेंटर पे तो वहाँ तो आप क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे, आपको लगेगा कि हाँ सही है, लेकिन सिंपली वो सही नहीं होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि सभी यूट्यूबर सही नहीं बताते हैं, और बताते भी हैं, बट उनमें उनका अगर 50 क्वेश्चन अब वो आपको बताते हैं तो उनमें उसमें से 10 या 15 ज़रूर गलत क्वेश्चन निकल जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम का ज़्यादा समय नहीं, 1-1.5-2 महीने अभी आपके एग्ज़ाम का समय बचा हुआ है। इसमें आप बहुत अच्छे तैयारी कर सकते हो और 100% आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। फ्रेंड्स, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने भी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम पिछले साल दिया था, और जब वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि इतना वहाँ का रफ और टफ एग्ज़ाम था, फिर भी मैंने क्वेश्चन सभी याद किए थे और मैंने पढ़ाई की थी, तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। बट वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पर बोल रहे थे एग्ज़ाम के बाहर जाने के बाद कि मैंने कुछ क्वेश्चन यूट्यूब पर देखा। तो फ्रेंड्स, मैं उन्होंने जो सही आंसर लगा लिया था उसका वो उनको लग रहा था कि सही है, बट वो दरअसल सही नहीं था। मैंने आकर फिर उस क्वेश्चन को देखा तो वो सही नहीं था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूबर बस अपने पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं, वो आपको उतना भी सही टिप्स नहीं दे पाते। मैं आपको बता दूं कि अभी आप कोचिंग करो, और अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तो आप सिंपली घर पर बैठ करो और तैयारी करो, और अपने बुक से, गेस ये सबसे नहीं, अपने बुक से आप तैयारी करो। गाइड या गेस में बहुत सारे गलत क्वेश्चन आंसर होते हैं। फ्रेंड्स, आप क्या करो कि आपके बगल में कोई 2019 का एग्ज़ाम देकर आया तो उससे आप क्वेश्चन पेपर ले लो और उसका सारा क्वेश्चन आप याद कर लो या उसको समझ लो। इससे ये होगा क्योंकि उसमें से 25% जरूर आपको आ ही जाएगा 2020 के एग्ज़ाम में। और कोई अगर यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर ये भी बोलते हैं कि इस बार बहुत आराम से पास हो जाओगे, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लोग बोल देते हैं, उनको पता होता है क्या वो सेंटर पे आपके जाते हैं कि वहाँ पे ये होने वाला है या वहाँ पे चीटिंग होगा या कुछ होगा। तो अब चीटिंग का कोई भी ये नहीं रह गया है, अब आप चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि खुद मैंने पिछले साल एग्ज़ाम देकर आया, वहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं चल रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत रफ़ और टफ एग्ज़ाम हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो और अभी से ही बुक को पढ़कर आप आराम से समझ लो। फ्रेंड्स, ये थी मेरी टिप्स। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इसे ज़रूर फॉलो कर लेना, और ख़ुद से पढ़ाई करना, या कोई आपके टीचर हैं जो कोचिंग और ट्यूशन कराते हैं तो उनसे आप समझो और उनको पढ़ो और उनके बातों पर ध्यान दो, ना कि आप यूट्यूब पर पढ़ाई करो। क्योंकि आपका यूट्यूब पर पढ़ाई करोगे तो सचमुच आपको सफलता उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, और आपका जो एडमिट कार्ड आने वाला है तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा, और आप अगर चाहते हैं उसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना और अपना सेंटर देख लेना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं वो वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लेना। और मैंने अगर आप क्लास 11th 12th के छात्र हो, और अगर आपका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया, तो मैंने वो वीडियो बना दिया है कैसे आपको
स्कॉलरशिप मिलेगा, तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के लास्ट और आई बटन में डाल दिया है, आप देख लेना वहाँ से। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा ये बिहार बोर्ड का टिप्स, तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय एंड टेक।